बेटा आप लोगों को पढ़ाना भी हमारा काम है, मोटिवेट करना भी हमारा काम है ना। आज आप लोगों को रैंक 136 से मिला रही हूं मैं, और वो आपको पूरा कंप्लीट डिटेल बताएंगे किस तरह से तैयारी करनी है, और उसके बाद फिर मैं आगे का क्लास कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। चलिए तालियों के साथ स्वागत करिए पहले। और बस विश करिए कि अगले साल आप भी इसी तरह हमारे क्लास में एंटर करें और आपका भी स्वागत हो। चलिए हेलो, बस करो पगलो, रुलाओगे क्या? अब बताओ कैसे तैयारी की आपने? चलिए सबसे पहले हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन, ओके सो मेरा नाम विकास कुमार है, मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मैम के पास से जो एनर्जी आती है, बिकॉज मैं ऑनलाइन क्लास का स्टूडेंट भी रहा हूं, आप लोगों की तरह लकी नहीं था कि ऑफलाइन बैठ के पढ़ूं, बट ये जो एनर्जी आती है कैन फील की इस सराउंडिंग की वजह से ही है, और शायद इट्स लाइक रिवर्स वाइस वर्सा आल्सो, मैम की वजह से आप लोग इतने एनर्जेटिक हैं। मैं आप लोग यदि कुछ बोल रहे हो तो मेरे पास आवाज अभी आ नहीं रही, दो मिनट रुक जाओ, फिर आप जो बोलोगे मैं सुन रहा हूं। हाँ मैंने एक्चुअली मैं जॉब के साथ तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग बहुत लकी हो जो कि फुल टाइम तैयारी कर पा रहे हो, ठीक है, जिसमें कि आप लोग मैम का गाइडेंस है और बाकी टीचर्स के गाइडेंस में हैं। तो मेरी जो बेसिक तैयारी हुई थी, मैं जॉब के साथ ही तैयारी कर रहा था, और मैम का ऑनलाइन इंग्लिश का जो कोर्स था वो मैंने लिया हुआ था, और फिर उससे मैंने अपनी तैयारी कम्प्लीट की थी मैथ्स का। बेसिकली आई एम फ्रॉम IIT गुवाहाटी, मैंने MTech करा है वहाँ से।
इंग्लिश में हेल्प की नीड थी, मैम वॉज देयर, मैम इज देयर, और मैथ्स का थोड़ा बहुत खुद से ही करा, संभाला चीजों को मैम कुछ और जैसे स्ट्रेटजी वाइज बोलूं तो मैं बहुत ही वीक था उस चीज में। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली जॉब के साथ तैयारी करी थी, तो मैं अभी इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग एडटेक कंपनी में मैनेजर हूँ। तो बात यह है कि वहां से आपको जब आप प्राइवेट के किसी भी पर्सन से मिलोगे आपको पता चलेगा वहां पे बहुत टाइम होता नहीं पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने 2019 भी अटेम्प्ट करी थी, 2019 में कुछ मार्क्स से रह गया था, फिर 2020 दिया, यहाँ पे सेलेक्टेड हुआ, ठीक है। अभी मैं एज अ JSO सेलेक्टेड हूँ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। उसके बाद अभी 2021 स्पेक्टिकल्स की वजह से रिजेक्ट हो गया, बहुत लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे मेरी जर्नी हुई थी कि मैं जब भी जैसे जो भी टाइम मिलता है पढ़ाई के बाद, मतलब जॉब करने के बाद, जैसे सुबह 9 से 6 बजे तक या फिर 10 से 7, हमारा जो जॉब है वो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता है जॉब का, बट उसके बाद भी जो भी टाइम मिलता है सुबह में, जैसे आप प्रॉपर SSC, मैं जो पर्सनली फील करता हूँ कि कोई भी बच्चा यदि अच्छे से 4 से 5 घंटा भी पढ़ाई कर रहा है ना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो आवर्स को काउंट करने पर बिलीव करते हैं, आप यदि लिटरली 4 से 5 घंटे डेली पढ़ रहे हो ना, देयर इज लाइक मोर देन इनफ, ठीक है। बहुत बेसिक भी कमजोर है तो आप 6 मंथ्स ले लोगे, 1 ईयर ले लोगे, 1 ईयर इज लाइक बहुत ज्यादा है, 8 मंथ्स तक ले सकते हो, ठीक है, बट 4 से 5 घंटे रेगुलर देना होगा, ठीक है। मुझे जो पर्सनली फील होता है, हो सकता है किसी के लिए ये 5, 6, 7 आवर्स हो सकता है, बहुत लोग 3, 4 आवर्स में भी कर सकते हैं, तो ऐसा जी। जहां तक कोर्स की बात है, मैं भी नीचे डिस्कस कर रहा था, तो वो भी लीक होने वाला है। मैंने एक्चुअली, मेरा एक फ्रेंड है बैंक, तो ही परचेज द कोर्स ऑनलाइन, और वो शायद पहला ऑनलाइन बैच था मुझे जितना याद आ रहा है, 2021 में, राइट मैम। वो PPT से मैम उस टाइम पढ़ाना शुरू की थी, एंड इनफैक्ट अभी जो क्लास नोट्स वाली बुक जो आई हुई है वो उसके बाद ही आई है शायद, तो उस बैच से मैंने पढ़ाई करी थी, और वो मेरे फ्रेंड का कोर्स था और मैं उसके साथ रहता था एक्चुअली, फॉर्चुनेटली उस टाइम, तो मैंने उससे पढ़ाई करी थी, मैंने बाई भी नहीं करा था। बेटा एक चीज देख लो, ये कह रहा है कि एडटेक कंपनी में, एडटेक कंपनी पता है सर उठाने तक का मौका नहीं मिलता है, इतनी जो प्राइवेट एडटेक कंपनी इतना ज्यादा, बिल्कुल कहते हैं ना खींच के काम लेते हैं। फिर आप लोग कहते हैं हमारे पास मैडम सोना भी है, खाना भी खाना है, खाना भी बनाना रहता है, कई बार बहुत सारी चीजें करनी रहती है आप लोग को, है ना। नौकरी करके इसने पढ़ाई की, कई लोग कंप्लेन रहता है हमारे पास ऐसे नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। अब इसका कहना कि मेरे फ्रेंड ने बाय किया था और मैंने पढ़ा था, एक्सक्यूजेस जो कहते हैं ना उनके पास होता है जो फेलियर्स होते हैं। रिमेंबर, सक्सेसफुल जो होते हैं ना उनको सक्सेसफुल होने के लिए कोई एक प्रॉपर कंड्यूसिव एटमोसफियर या फेवरेबल एटमोसफियर की जरूरत नहीं पड़ती, वो हर चीज को अपने फेवरेबल बना लेते हैं। और जिनको नहीं होना सक्सेसफुल रहता है उसके पास बहुत बहाने होते हैं। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, टाइम कम है चाहे आपके पास रिसोर्सेस की कमी हो या आपके पास अपना कोई रिसोर्सेस नहीं हो, इफ यू वांट यू कैन स्टडी, ठीक है। बहुत जोरदार तालियों के साथ इनको आप स्वागत करिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, और हमेशा खुश रहो, कामयाब रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, आजा ठीक बेटा, थैंक यू सो मच।